हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल स्नैप। आज के ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कोलकाता का फेरी सर्विस। इंडिया के कुछ शहरों में रिवर में वाटर नेविगेशन सिस्टम है जो विद इन द सिटी फंक्शन करता है। ऐसे ही गिने चुने शहरों में कोलकाता है जहां पे वाटर को एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर लोकल पर्पस यूज किया जाता है। तो चलिए हुगली रिवर के इस फेरी सर्विस को आज एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ मैं बता देता हूँ आपको फेरी सर्विस के बारे में। 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था, उस समय कुछ कैप्चर्ड छोटे सीप को एक्सपेरिमेंट के तौर पर नदी क्रॉस करने के लिए यूज करते थे और बाद में इसे और थोड़ा इम्प्रोवाइज करके सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट को और स्मूथ करने के लिए, थोड़ा ट्रैफिक ऑफलोड करने के लिए इस वाटरवे सिस्टम को और इम्प्रूव किया गया है, जो आज एक मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कोलकाता के लिए। ये कितना पॉपुलर है आप इसका इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरेज वीकली जो राइड है वो 2 लाख के आसपास है। ये फेरी सर्विस मेनली हुगली रिवर बैंक पे जो भी मेजर सेटलमेंट्स हैं, जैसे कि हावड़ा जंक्शन है, बेलूर मठ है, दक्षिणेश्वर है, बाबूघाट बस टर्मिनल है, डायमंड हार्बर है जो कि सागर के लिए फेरी सर्विस का आखिरी पॉइंट है, कुचुब एरिया है जो कि सागर आइलैंड के लिए एंट्रेंस है, ऐसे कुछ जगहों पे जाने के लिए फेरी सर्विस एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्ट मीडियम है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके रूट के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अपना राइड एक्सपीरियंस बताऊँगा। फेरी घाट के रूट के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो आखिरी पॉइंट है, जो सागर का एंट्रेंस पॉइंट भी जिसे बोलते हैं, वो है कचुबेरिया का एरिया है, जहाँ पे आप हार्डवुड पॉइंट से जा सकते हैं। हार्डवुड पॉइंट लैंड रूट से लास्ट एक्सेसिबल पॉइंट है फेरी के लिए अगर आप जाना चाहें तो। उसके अलावा बीच में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे नूरपुर है, और अगर मेन सिटी में अगर आप जाएं तो ये जो राजा बागान है, बाबू घाट है जो कि एक बहुत बड़ा बस टर्मिनल है, उसके बाद फेयर लाइन है, हावड़ा जंक्शन जो सबसे बड़ा माना जाता है, उसके बाद बाग बाज़ार, बेलूर मठ, और अगर आप बेलूर मठ से और आगे जाएं तो दक्षिणेश्वर के लिए है, और इसी रूट में अगर और आगे जाएं तो आप रिसड़ा जा सकते हैं, हुगली जा सकते हैं, ये जो बाबू घाट है, और अगर आगे जाएं तो आप हुगली तक जा सकते हैं। ये रूट और भी फैला हुआ है लेकिन तब आप कोलकाता से बहुत बाहर निकल चुके होंगे। इसके अलावा कुछ और भी कनेक्टिंग घाट्स हैं अगर आप देखें तो, जैसे ये जो छोटे डाइवर्जन्स हैं, इस डाइवर्जन पे भी आपको बहुत सारे घाट मिल जाएंगे जो एक्सेसिबल हैं। अगर टिकट की बात करें तो टिकट 6 रुपये से शुरू होकर 30-40 रुपये तक जाती है। जो शॉर्टेस्ट फेरी राइड है वो रिवर क्रॉस करने के लिए, अगर कोलकाता सिटी से जस्ट आप रिवर क्रॉस करके हावड़ा जंक्शन जाना चाहते हैं तो वो शॉर्टेस्ट है, जिसका फेयर टिकट फेयर 6 रुपये है। तो ऐसे ही बहुत जगह घाट सिर्फ आप क्रॉस करना चाहते हैं, नदी क्रॉस करना चाहते हैं तो 6 रुपये, और फिर अगर आप दो स्टॉपेज के लिए जाना चाहते हैं तो 11 रुपये, और अगर लंबे डिस्टेंस के लिए जाना चाहते हैं तो 22 रुपये। इस तरह से टिकट प्राइस हैं। बोर्डिंग पॉइंट से बाहर टिकट काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे लेना है। और आपको एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आप छोटे टिकट खरीद रहे हैं, जैसे 6 रुपये के टिकट खरीद रहे हैं या 11 रुपये के टिकट खरीद रहे हैं, तो आपको 11 रुपये में 1 रुपये चेंज देना पड़ेगा, 6 रुपये आपको चेंज देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको वो टिकट डिनाई कर सकते हैं। टिकट आपको फेंकना नहीं है एंट्रेंस के बाद भी। कई बार होता है कि टिकट आपको एग्जिट के समय सरेंडर करना पड़ता है, इसलिए टिकट आपको हमेशा संभाल कर रखना है जब तक आप डीबोर्ड ना कर जाएं। टिकट के बाद मैं आपको बोर्डिंग डीबोर्डिंग से जुड़ी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बोर्डिंग जो मेन फ्रीक्वेंसी है 30 मिनट की है, और सुबह 7-8 बजे फेरी सर्विस शुरू हो जाती है और शाम के 6-7 बजे तक चलती है, और हर घाट पे आपको एवरेज आधे घंटे में एक फेरी सर्विस मिलती है बोर्डिंग के लिए और डीबोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग के लिए आपको वेट करना पड़ता है, जब बोर्डिंग पॉइंट जो एंकर पॉइंट भी है वो बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको क्यू में वेट करना पड़ेगा, जब बोट आने के बाद ही बोर्डिंग शुरू होती है। राइड क्वालिटी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अभी तक मैंने कुछ राइड लिए हैं, जैसे मैंने रिवर क्रॉस करने के लिए लिया था तो वो इवनिंग का समय था, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन आपको कभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो ओवर द कैपेसिटी कभी नहीं जाते हैं,
हाँ ये है, भीड़ रहेगी लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबली खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ लंबी दूरी के भी फेरी राइड लिए, वीकेंड्स पे राइड लिया, जैसे मैंने संडे को राइड लिया तो वो बहुत ही स्मूथ था। मैंने दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ की राइड ली जो कि 11 रुपये की राइड थी और वो बहुत ही स्मूथ थी। उसमें आपको सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको खुद इतना अवेयर रहना है कि आपका घाट आ गया है, आपको डीबोर्ड करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप अपने मैप के थ्रू इसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। फेरी सर्विस के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत ही स्मूथ सर्विस है और इसमें डिले नहीं होता है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक ग्लिच नहीं है, किसी वजह से आप किसी पर रुकते नहीं हैं, और अगर आपका अगर एक्सपेक्टेड टाइम अगर 11:45 का है तो आप 11:45 में पहुँच जाएंगे। उसके अलावा आप नेचुरल इन्वायरमेंट में नदी किनारे फ्रेश एयर के बीच में ट्रैवल करते हैं, सुंदर नज़ारे देखते हैं, चाहे वो घाट्स हों, पंप हाउस हों, या पुराने स्ट्रक्चर हों, या फिर मॉन्यूमेंट्स हों लाइक बेलूर मठ है या दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं और ये पूरा ही प्लीजेंट माहौल होता है। ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं आप, हावड़ा ब्रिज देख सकते हैं और बहुत ही स्मूथ जर्नी होती है। छोटे मोटे स्नैक्स भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो चाय पी सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, 6 रुपये से टिकट शुरू होती है और कंपेयर टू अदर मीडियम ये बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें छोटे इंजन लगे हुए हैं, बहुत स्लो स्पीड में चलती है, इसलिए इसमें पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं है, बहुत स्लो स्पीड में चलती है, तो आपको कभी कभी ये लग सकता है कि आपकी जर्नी बहुत स्लो है। इसके अलावा इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, हर आधे घंटे में आपको एक बोट मिलता है। बोर्डिंग डीबोर्डिंग में आपको थोड़ा समय लगता है, लाइक 5 से 10 मिनट आपको बोर्डिंग और डीबोर्डिंग में ही लग जाते हैं, लेकिन अगर आप हमारा वर्डिक्ट पूछना चाहें तो हमने इसे भरपूर इंजॉय किया है और हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि अगर आप कोलकाता में हैं तो आपको इस वाटरवे सिस्टम का जरूर लुफ्त उठाना चाहिए, जब भी पॉसिबल हो आपको इसमें सफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ गिने चुने शहरों में अवेलेबल है और ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस देने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग जिसमें हमने फेरी राइड के बारे में एक ब्रीफ जानकारी दी। अगर आप हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं या हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें ऑफिशियल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लॉग्स पढ़ने के लिए, गैलरी देखने के लिए और भी ज़्यादा जानकारियाँ लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।